पीछे ड्राइवर वेतन दो, वेतन दो भाई, वेतन दो पीछे ड्राइवर, वेतन दो, वेतन दो भाई, वेतन दो पीछे ड्राइवर, वेतन दो। हम एसपीसीटी साहब से मिले हैं, अरुण साहब थे उनका, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, एक हफ्ते का टाइम मांगा था, फिर 15 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद में फिर हम एसएसपी साहब के लिए बोला, हम एसएसपी साहब से मिलने के लिए गए, वहाँ पे हमसे कोई नहीं मिलन देता, कहते ठेकेदार को लेके आओ, ठेकेदार से हम बात करें। एमटी साहब ने, अरविंद कुमार जी ने हमसे बोला एक हफ्ते में तुम्हारी सैलरी हो जाएगी, उस बातों को एक महीना हो गया। उसके बाद हम डीएम साहब के पास आए थे, डीएम साहब ने हमसे बोला है मैं बात करता हूँ और मीटिंग करवाता हूँ, एसपी मैडम से बात की थी, मैडम से उन्होंने कही थी मैं बात करवाता हूँ, मीटिंग करवाता हूँ। आप बताइए, हमको 6 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली है, हमारे बच्चे की फीस जानी है, मकान का किराया है, किसी से कहते हैं भाई हमको इतने पैसे उधार दे दो, वो कहता है पुलिस की गाड़ी चलाती है, तुम्हें सैलरी नहीं आता है क्या? बताओ अब हम अपना क्या क्या वो करें, आप ही बताइए। और अब हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे जब तक हमारी सैलरी नहीं मिली। तो आज हड़ताल पे आप लोग? जी हड़ताल, जब तक हमें वेतन नहीं मिल रहा। क्यों वेतन नहीं मिल रहा है, किसका रीज़न बताया? कॉन्ट्रैक्टर पहले 2 पारियों में ड्यूटी करते थे, नया कॉन्ट्रैक्टर आया, उनको 3 पारियों में उसने ड्राइवर वो किए, इशू किए, ऑथॉरिटी 2 पारियों में तनख्वाह देने के लिए तैयार है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 3 पारियों में लेने के लिए वो कह रहा है। तो कुल कितने ड्राइवर हैं जिनके? 129 ड्राइवर हैं, किसी की सैलरी नहीं मिली है। जी, तो कितने एक बंदे की कितनी सैलरी रुपये होगी? एक बंदे की 9,264 रुपये है महीने की, तीन के हिसाब से, तीन के हिसाब से, पहले हमको 10,000 रुपये दिया जाता था, दो पारी होती है। आश्वासन दिया है, मीटिंग कर रहे हैं, हम बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एक नया भी था, जिसका पहले कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी तैयार खड़ा है, तो वो लेने के लिए तैयार है। नई एसपीसीटी आ गई है, क्या आप उनसे मिले? बिल्कुल मिले। क्या उनका क्या कहना था? उन्होंने क्या कहना था, अभी मैं बात करती हूँ, मुझको पता है, चलो मैं बात करती हूँ। तो आपकी सैलरी नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना है? उन्होंने हमें सैलरी नहीं मिली, क्या 5 महीने हो गए, तो कुछ 5 महीने हो गए, 2 महीने की बात होती हो, 3 महीने की बात होती है, आप ही बताओ हम क्या करें। तो सैलरी का मामला ये चल रहा है, जो भाई ने बात अभी बताई, यही मामला है। 129 ड्राइवर हैं सब, क्या हमारे बच्चे नहीं हैं क्या? इन्हें सबका आँख मिच रही है क्या? आप बताओ कब से सैलरी? 6 महीने होने जा रहे हैं। हाँ जी, घर में बच्चे बीमार हैं, घर वाली बीमार रहती है, और जो फीस भी जाती है, 3 बच्चे हैं मेरा, है ना जी, किराए में मकान भी लेकर रहते। हाँ जी हड़ताल पर हैं जी, हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे जी, क्या करें? आत्महत्या करें क्या? जब सैलरी नहीं मिले तो ये करें, जब हमारे बच्चे बीमार हैं, हम खुद बीमार हैं। तो आप लोग नहीं चलाएंगे तो फिर कौन चलाएगा? अब भाई हमारे से कोई पता नहीं जी, कोई चलाए या ना चलाए, देखते हैं। और 2-4 दिन तनख्वाह मिलती है तो मिलती है, आत्महत्या करके है ढंग नहीं। चालक हूँ, 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली सर, किराए पे रहते हैं, किराया भी देना होता है, घर का खर्चा आता है, स्कूल है सर, बच्चे कहाँ से देंगे सर किराया वगैरह? कब से नहीं मिली? 6 महीने हो सर, मई से नहीं मिली, मई से सितंबर तक। तो इसको लेकर किसी से बात करी आपने? सर काफ़ी लोगों के पास गए, SSP साहब के पास गए, SPT साहब के पास गए सर, वहाँ बोलते हैं जानकारी चल रही है, आपकी जाँच चल रही है, बोला सर ऐसी आश्वासन तनख्वाह दिलाएंगे। बात करें आपकी सैलरी की, तो आपकी सैलरी सरकार की तरफ से आती है या नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आती है सर? नोएडा प्राधिकरण। तो कहाँ से ये गलती हो रही है कि आपको सैलरी नहीं मिली? नोएडा अथॉरिटी अपनी तरफ से रिलीज नहीं कर रहा है, ठेकेदार नहीं कर रहा है? दो आदमी का नोएडा प्राधिकरण कर देता है, लेकिन ठेकेदारों की वजह से हो रही है, ठेकेदार नहीं ले रहे हमारे, वो कह रहे हैं हमें 3 का दो तनख्वाह सर, 2 ड्राइवरों की आ रही है, जिसमें से एक ड्राइवर की 9,264 और बीच में सर लाइन में मिलती है, वहाँ अथॉरिटी बाकायदा चेक दे रही है, लेकिन बीच में ठेकेदार मना कर रहा है सर, अधिकारी भी। तो अब आप लोगों की मांगे क्या हैं, किस बात को लेकर आप यहाँ आज धरने पे बैठे? सर जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी हम गाड़ी पे जाएंगे, तनख्वाह मिलेगी जब तक सर पीछे नहीं। 5 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, किस तरीके से? 6 महीने सैलरी नहीं मिली थी, किस तरीके से आप चला रहे थे बगैर सर? बीच में दे दी सर, पहले 7 महीने की इकट्ठी मिल गई थी, कभी दीवाली से ले रहे, कभी दरोगा जी से ले रहे सर।